पर जिंदगी में चमत्कार होंदे हैं जी। हाँ पता हमें। हाय, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म की। उसका ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा। ये फिल्म रिलीज हो रही है 11 अगस्त 2022 को। आमिर खान एक टैलेंटेड एक्टर है और उन्हें काफ़ी सारे फिल्में की है। ये फिल्म अपने देश में नए कॉन्सेप्ट वाली फिल्म हो सकती है, बट ये एक रीमेक फिल्म है फॉरेस्ट गम की। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। पूरा गणित मिला के बात यह है कि हमें एक रीमेक फिल्म देखने मिलने वाली है। वाओ, एक्साइटिंग। एक और किस्सा जुड़ गया बॉलीवुड के नाम पर, क्राइम मास्टर गोगो की तरह। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूं मैं, गोटियां। तो इस फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है। इस स्टोरी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जिंदगी के बारे में बताया गया है, अपने हीरो के बारे में, मतलब जो मेन किरदार है इस फिल्म के, उसके लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया है कि कैसे पैर के प्रॉब्लम के वजह से वो चल नहीं पाता। इस फिल्म की स्टोरी आमिर खान के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है और उसके वजह से उसका आईक्यू भी काफ़ी लो होता है, पर वो दिल का बहुत ही साफ होता है एंड ही फाइंड्स जॉय इन ऑल द थिंग्स। और एक इंसिडेंट में उसका पैर ठीक हो जाते हैं। मतलब इस फिल्म में लाल सिंह के लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताया गया है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद और थोड़ी फॉरेस्ट गम मूवी देखने के बाद मुझे मिस्टर बीन की याद आ गई, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात, कब तक हम रीमेक के चक्कर में पड़ते रहेंगे। कभी हॉलीवुड फिल्मों का रीमेक या कभी साउथ फिल्मों का रीमेक, ऐसा लगने लगा है जैसे बॉलीवुड में टैलेंट की कमी आई है और या बॉलीवुड में कोई दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ रीमेक बनाने में लगा रहा है। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद बॉलीवुड का नामकरण फिर से हो जाए और बॉलीवुड के जगह पे रीमेक इंडस्ट्री पड़ जाए। यार, कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लाओ तो मज़ा आए देखने में। अब जिसने ओरिजिनल फिल्म देखी है तो वो रीमेक देखने में कितना इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, आमिर खान काफ़ी टैलेंटेड है और वो कुछ सोच कर ही ये रीमेक बना रहे होंगे। ठीक है, अब ये भी सहन लेंगे, मतलब ये भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आमिर खान के साथ और कौन कौन है इस फिल्म में। तो आमिर खान है एज लाल सिंह चड्ढा और करीना कपूर है एज रूपा सिंह चड्ढा, लाल सिंह की वाइफ, और मोना सिंह एज लाल सिंह चड्ढा की मदर, और नागा चैतन्य एज बबलू, रूपा का यंगर ब्रदर, और नेगर खान एज जैनी पटेल और आर्य शर्मा। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्री और मराठी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए। वैसे ये फिल्म आमिर खान के फैंस को ज़रूर देखनी चाहिए, और जिन्होंने फॉरेस्ट गम देखी है तो उन्हें उतना मज़ा शायद नहीं आए। और अब इस फिल्म में आमिर खान है तो एक बार देखना तो बनता है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर है अद्वैत चंदन और स्क्रीन प्ले किया है एरिक रॉथ और अतुल कुलकर्णी ने, और प्रोड्यूसर है आमिर खान, किरण राव, ज्योति देशपांडे, अजित अंधेरे, सिनेमेटोग्राफर है सत्यजीत पांडे, फिल्म को एडिट किया है हेमंती सरकार ने और म्यूजिक दिया है तनुज टीकू ने और प्रीतम ने, प्रोडक्शन कंपनी है आमिर खान प्रोडक्शन और वाईकॉम 18 स्टूडियो और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर्स। तो दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है तो मुझे बताइए कि आपको इस फिल्म के बारे में क्या लगता है और आपको ट्रेलर कैसे लगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ़।